नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिमालयन डायरीज में, है ना बेबू? हमारी हिमालयन डायरीज में स्वागत है आप सभी का। मेरा कुकड़ू भी देख रहा है भाई। तो जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे। अपने हालचाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज है एक और नया दिन, एक और नई सुबह। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 8:30 बजे से। तो हम लोग जो है वो शादी में जाने के लिए तैयार हुए हैं। हम लोग मतलब मैं और मम्मी, शादी नहीं सॉरी, मतलब चलो शादी, शादी की शुरुआत हो चुकी है। आज से जो है वो मेहंदी है, लेडीज संगीत है। तो हम जा रहे हैं, मैंने बताया था आपको, मैंने जब जुगवा पालकी वाला जो लोग आप सभी के साथ शेयर किया था कि उस घर में शादी है, हाँ जी, तो आज से जो है वो शादी शुरू हो चुकी है। तो हम जा रहे हैं वहाँ, अभी आपके साथ भी कुछ ग्लिम्प्स शेयर करेंगे मेहंदी के, तो बने रहिएगा इस व्लॉग में अंत तक। क्या देख रहे हो आप? आपने भी आना मेहंदी में? आपने भी आना मेहंदी में? तो दोस्तों, ये है दूल्हे राजा जिनकी शादी है और आज है इनकी मेहंदी सेरेमनी। और अभी कुछ ही देर में जो है वो मेहंदी की रस्में शुरू होने वाली है। आप सभी भी इंजॉय कीजिएगा। और काफ़ी सुंदर जो है वो डेकोरेट किया गया था इस रूम को। और दूल्हे के घर में ज़्यादा तामझाम नहीं होता, मतलब जल्दी निपट जाते हैं रेदर देन दुल्हन के घर से। और ये है दूल्हे की मम्मा जिसकी हाथ में अभी मेहंदी लगा रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा क्यूट है ये, और बहुत ज़्यादा खुश भी थे क्योंकि खुशी तो बनती है यार, पहले बड़े बेटे की शादी है इनके। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द मेहंदी, जब ये दादी जी जो है वो दूसरी दादी जी को मेहंदी लगा रहे थे। इन्हें बोला कि भाई सब बोल रहे हैं मुझे नहीं आती, मुझे नहीं आती, मुझे दे दो भाई, मुझे आती है। पहले के ज़माने में जिस तरह की मेहंदी लगाते थे भाई, उस मेहंदी के सामने जो है वो अब की मेहंदी बिल्कुल फेल है। और वाकई यार, इन्होंने ना इनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन मारा था। आकार में मेहंदी सजा।
और ये जो आप देख रहे हो ये है दूल्हे की मासी, जो कि मेरे मामी लगते हैं, मतलब कि ये मेरे हस्बैंड की मामी है। और साथ में ही जो है वो है दूल्हे की बुआ और दूल्हे की कज़न, यानी कि जो दूल्हे की मासी है उनकी बेटी है वो, जो दूल्हे की बुआ को मेहंदी लगा रहे हैं। और ये है दूल्हे की पूरी फैमिली, यानी कि मम्मी पापा भाई और दादी, जो कि शगुन के तौर पर अब दूल्हे को मेहंदी लगा रहे हैं। अब बारी बारी से सभी जो है वो फैमिली मेंबर्स दूल्हे को मेहंदी लगाएंगे। और ये है दूल्हे के बुआ और मामा। और ये है दूल्हे के चाचा और चाची, और ये आप देख सकते हो कि दूल्हे के हाथों में जो है वो मेहंदी लग के हो चुकी है कंप्लीट। और दूल्हे के हाथों में ज़्यादा नहीं लगाते हैं, जैसे कि दुल्हन के हाथ पूरे कवर करने होते हैं, इसलिए जो है वो दूल्हे के घर में मेहंदी सेरेमनी जल्दी फ्री हो जाते हैं। मुझे ना एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि यहाँ पे ना खुद से गाने गाए जा रहे थे और बजाए जा रहे थे और सभी डांस कर रहे थे, डीजे नहीं बज रहा था, क्योंकि डीजे बजता है तो फिर गाने कट करने पड़ते हैं, म्यूट करने पड़ते हैं, वॉइस ओवरिंग देनी पड़ती है। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं हुई, मैंने जो भी शूट किया वही अपलोड कर दिया। कॉपीराइट इशू की वजह से सॉन्ग्स को कट करना पड़ता है। और अब हम चल पड़े हैं घर की तरफ। कितना टाइम हुआ अभी? कितना हुआ? 11 बजे।
ग्यारह पैंतालीस, बारह बज चुके हैं और अब हमारे घर की तरफ वापसी हो रही है। हमारा घर कुछ ही दूरी पर है, मतलब दो कदम और यहाँ से अंधेरा है, अब गली जैसी है तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब मिलेंगे हम आपको घर पर। अव्या स्माइल प्लीज। ये अव्या तो गुस्से से देख रही है, ससुर कर दिया मेरा तो ले। क्या है रो रही है? जो बोलाम दो है छोटे ना पापा। रो रही है, गुस्सा है, रो रही है, क्यों किया अब है? स्टाइल देखो इसका, ठीक है दादी भी उनको ही करती है प्यार, प्यार बड़े बड़े बहुत गंदे हुए। चलो चेंज करो इसका। तो अभी समय हो रहा है पूरे सवा बारह बज रहे हैं, पूरे सवा बारह। मेरा बेटू सोया था अभी तक, सोया था बेटू, सोए थे आप? तो फिर अभी तक बोलते अव्या जो है वो सोई भी थी, मतलब थोड़ी देर पहले ही उठी है और रोना शुरू कर देती इसने। फिर उन्होंने मेरे को टेक्स्ट किया कि अव्या रो रही है आ जा नीचे। पर जो है वो मेहंदी वाला जो रस्में वगैरह रहती है वो सारी भी ख़त्म हो चुकी थी, तो हम लोग फ्री हो गए थे। फिर हम लोग ने आना ही था तो हम लोग आ गए। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ना ये ब्लॉग पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो दोस्तों कृपया करके यार शेयर ज़रूर कर देना, और जो भी चैनल पर नए हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अब इस ब्लॉग का यहीं पर ही एंड करते हैं, क्योंकि अब सोने की कोशिश करते हैं और अव्या को सुलाने की कोशिश करते हैं, है ना जी। मिलेंगे अब आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अव्या बाय कर दो, शे बाय बेबू। अच्छा मुँह नहीं है भाई।